एक पीस काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा खोया के अंदर, कितना स्पंज है। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मावा केक। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे नया रेसिपी पहले आपको मिले। मावा केक के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए मैदा। मैंने लिया है 1 कप मैदा, इसी कप से मैंने मेजरमेंट लिखे है। 100 ग्राम खोया, आधा कप रिफाइंड ऑयल बदले आप घी भी ले सकते हैं। 3/4 कप चीनी, दूध 1 कप, आधा चम्मच खाने वाला सोडा 3/4 चम्मच बेकिंग। अब हम एक जार में ये दूध और चीनी ग्राइंडिंग कर लेंगे। दूध चीनी अच्छा से ग्राइंडिंग हो चुका है, अब हम इसमें एक खोया डाल देंगे और ये रिफाइंड ऑयल भी डाल देंगे और इसको अच्छा से ग्राइंडिंग कर लेंगे। ये अच्छा से ग्राइंडिंग हो चुका है, अब हम इसको एक बर्तन में डाल देंगे। मैदा, खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर, डालकर अच्छा से छान लेंगे। मैंने मैदा को अच्छा से छान लिया है, अब हम ये मैदा इसमें डालकर इस तरह चलाएंगे, एक ही दिशा में चलाना है। करीब 7-8 मिनट तक इस तरह चलाना है। आठ नौ घंटे हो चुका है, ये अच्छा से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पाइनएप्पल एसेंस 1/2 ढक्कन डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका। अब हम केक बर्तन में थोड़ा सा तेल लगा देंगे। और इसके नीचे एक बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा उसका ऊपर छिड़क दीजिए। अब हम ये पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। आज केक हम कुकर में बनाएंगे। मैंने गैस पर एक कुकर रख दिया है, इसका अंदर मैंने एक कटोरी बालू डाल दिया है। बालू चारों तरफ ऐसे फैला दिया है। बालू के बदले आप नमक भी डाल सकते हैं। अगर स्टैंड है आप इसका अंदर रख दीजिए, नहीं तो एक कटोरी इसका अंदर रख दीजिए और इसको ढक दीजिए। बालू गर्म होने तक हम वेट करेंगे। 4-5 मिनट हो चुका है बालू, ये देखिए अच्छा से गर्म हो चुका है। अब हम ये पेस्ट इसका अंदर रख देंगे।
ढक्कन लगा दें। इसका होइसल मैंने निकाल दिया है, फ्लेम स्लो करेंगे, आधा घंटे बाद हम चेक करेंगे। आधा घंटा हो गया है, अब हम केक चेक करेंगे। एक चाकू लेंगे, इसका अंदर इस तरह डाल कर देखें। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पेस्ट लग रहा है, इसका मतलब केक हमारा अभी तैयार नहीं हुआ है। अब हम और 10 मिनट गैस पर रखेंगे। चुका है, अब हम केक चेक करेंगे। एक चाकू लेंगे, केक का अंदर से डाल देंगे। ये देखिए, इसमें पेस्ट नहीं लग रहा है, इसका मतलब केक हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और केक को ठंडा, केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे, चाकू से इसके चारों तरफ ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारे केक। खोया केक मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया। आप इसी तरह खोया केक घर पर बनाइए, खाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।